नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों का रुख करने से पहले डाल लेते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली बकायादारों की सूची आते ही हड़कंप, करोड़ों के बकाया बिल फुर्ती में हुए जमा। दो बच्चियों की रेप के बाद हुई थी हत्या, न्याय के लिए सीएम के खिलाफ लड़ेगी मां। एनआईए जांच में जब्त हुई मर्सिडीज से मिले कई अहम सुराग, सचिन वजे चलाते थे ये कार। कानपुर में बिजली बिल के बड़े बकायादारों में हड़कंप है। समय से बिजली का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कैस्को ने सख्ती शुरू कर दी। बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं और बिल जमा नहीं होने पर उनके मीटर भी उखाड़ रहे हैं, जिसके डर से बकायादार बिल जमा करने पहुंचने लगे हैं। कुछ ही दिन में करोड़ों का बिल जमा हो गया। औद्योगिक नगरी कानपुर में जहां करोड़ों रुपए विद्युत के हमेशा बकाया रहते हैं और लोग महीनों बिजली का बिल नहीं जमा करते, ऐसे में घाटे से उबारने के लिए कानपुर कैस्को ने अभियान चलाया, जिसमें हर सब स्टेशन पर विद्युत बकायेदारों की सूची चस्पा की गई और उनके घर जाकर उनको चेतावनी भी दी गई। जिन्होंने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया उनके मीटर उखाड़ ले गए। सख्ती के बाद से बकायेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। यही वजह है कि पिछले 15 दिनों के अंदर ही कैस्को में 45 करोड़ रुपए लगभग राजस्व जमा हो चुका है। दो नाबालिग लड़कियों की मां ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पिनराई विजयन धर्मधाम विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। पीड़ितों की मां का कहना है कि उनकी उम्मीदवारी SDF सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ YLR मामले की शुरुआती जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को बचाने के खिलाफ विरोध की आवाज है। उक्त पुलिस अधिकारियों को ट्रायल कोर्ट ने रिहा कर दिया था। राज्य सरकार की अपील पर हाई कोर्ट ने अपने फैसले से इतर फिर से ट्रायल कराने का आदेश दिया था। उन्होंने त्रिशूल में कहा, मैंने अपनी प्रोटेस्ट कमेटी से बात की है और धर्मधाम से निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है ताकि अपनी बेटियों के लिए न्याय हासिल कर सकूं। मुझे सड़कों पर बैठने और सिर मुंडाने के लिए मजबूर किया गया। मैं डिप्टी SP सोजन और SI चाको को पुलिस सेवा से बर्खास्त देखना चाहती हूँ। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर 25 फरवरी को विस्फोटक से लदी कार खड़ी मिली थी। इस केस की जांच लगातार उलझती ही जा रही है। इस मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वजे का नाम भी शक के दायरे में है। मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी NIA ने एक मर्सिडीज कार जब्त की है, जिसे गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वजे ने इस्तेमाल किया था। जांच में सामने आया है कि इस मर्सिडीज कार को सचिन वजे ही चलाते थे। ये कार मुंबई पुलिस मुख्यालय भी आती थी। कार धुले में रहने वाले भावसार नामक व्यक्ति की थी, जिसने बीते माह फरवरी में ही इस कार को एक पोर्टल के माध्यम से बेच दिया था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह कार वजे तक कैसे पहुंची? अब फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MNS News Live। नमस्कार।